अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आपका अफरीन शेख ऑफिशियल ब्लॉग में। अभी हाँ, मैं बना रही हूँ छोले का सालन टिफ़िन के लिए। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट शाम में। शाम के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया गर्मा गर्म रोटी। ये दोपहर के चावल थोड़े बचे हैं यहाँ पर, और ये सुबह के छोले थोड़े से बचे जो मैंने नहीं खाए। ये मेरे हिस्से के, मुझे छोले वगैरह पसंद नहीं है। और मैंने यहाँ पर बनाया है चिकन, सूखा चिकन बनाया है आज खाने के लिए। अभी इससे सब लोग खाएँगे हम लोग। तो चलो खाना पीना खाते हैं, खाते नहीं वेट करते, अभी तक ये आए नहीं। फिर आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आपका फ्रेंडशिप ऑफिशियल ब्लॉग में। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 9:15 9:15 स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो दिन भर तो मैंने किया नहीं, अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा अभी सब जस्ट काम हो गया। मैंने बनाया चिकन का सूखा, बनाया रोटी, बनाया और सुबह के चावल बचे थोड़े से। और सुबह में मैंने बनाया था छोले और रोटी, तो सुबह का छोले भी बचा है। तो अभी मेरा इतना खाना बनाने का हो गया, किचन विचन साफ़ कर दिया। अभी जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के उठी, तो मैंने बोला चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया और बर्तन वगैरह थोड़े से बचे घसने के लिए। तो अभी बज रहे 9:15। अभी इनका कॉल आएगा ही कि निकले या नहीं निकले पता नहीं। मैंने किया नहीं कॉल, क्योंकि मैंने मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराया। बर्तन 2-3 महीने हो गया मैंने रिचार्ज ही नहीं कराया। जिसको भी कॉल करती हूँ व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर लेती हूँ, या जिससे नहीं होती वो खुद मेरे को याद आती तो खुद कॉल कर लेती। बाकी तो मैंने अभी बहुत टाइम से रिचार्ज करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वेस्ट है। किसी को मैं इतना फ़ोन करती नहीं, जिसको भी फ़ोन करना, मैं घर वालों को ही फ़ोन करती हूँ, व्हाट्सएप पर हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ मोबाइल के इशू की वजह से, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मोबाइल में बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे फेस पे देखो कितने बड़े बड़े एक्ने आए हैं, पता नहीं क्यों आए इतना बड़ा बड़ा। यहाँ पर एक लिप्स पे आया है इधर, ये तो पेन हो रहा है, ये भी पेन हो रहा है, ये तो ऐसा हुआ है एकदम बड़ा हुआ है। देखो ये आना कम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अभी इसके लिए मैंने अभी बहुत सारा इलाज किया है, अभी इसका पता नहीं। अभी दवाई वगैरह मैंने वापस से स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से मैंने अपने रिपोर्ट्स वगैरह सब करा लिए, जैसे कि PCOD का, थायराइड का, वो सब। लाख 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 शुक्र है कि सब नॉर्मल आया, कुछ नहीं है। मुझे इसका डाउट हो रहा था कि वे रुक क्यों नहीं रहे। बाकी बाद में ऐसा लग रहा था कि मैं गई थी तो उन्होंने बोला आप एक बार चेक करा लो, बोले कि शायद से PCOD का हो सकता है, शायद से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं डर गई, पर मतलब डर तो गई थी मैं, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने करा लिया। कराने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिपोर्ट मेरी सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। वो बोला कि हार्मोन्स की वजह से होता है आपको, ये धीरे धीरे अभी उन्होंने दवाई दी है, दवाई खा रही हूँ तो कम हो जाएगा। तो आज है 1 तारीख, आज 1 तारीख नहीं 2 तारीख है, आज मंगलवार है। तो अभी मैं जाऊँगी रात में यहाँ से, हम लोग देखने जा रहे हैं अभी रूम। तो अभी आएंगे, फ़ोन करेंगे, मैं कपड़े फटाफट चेंज कर लेती हूँ, नीचे जाती हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला कहीं रूम है यहाँ पर, देखने जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये रूम खाली करने का सोच रहे, क्योंकि हमारे रूम ओनर के साथ में मतलब ज़्यादा ये नहीं हो पा रहा है। वो मतलब कैसा, मतलब ये नहीं है झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, पर वो बहुत मतलब हम जो भी बोल रहे हैं वो सुन नहीं रही है। मतलब रेंट के लिए एक दिन भी नीचे ऊपर रुकते नहीं, जैसा 1 तारीख का 1 तारीख का मतलब तुरंत ये कर देते। पर उनका रूम है, उनको मतलब रहता है तो हमें तो देना ही है, पर किसी के पास 1 तारीख को नहीं रहता। पेमेंट हमारे लेट आती है, ऊपर नीचे होता है, पर वो नहीं एडजस्ट करते। वो मतलब थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था मुझे उस टाइम से, मेरे को ज़रा सा दिमाग में लगा है। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे यहाँ से जल्दी कहीं रूम मिलता तो मैं वैसे भी शिफ्ट करने वाली थी, पर मुझे मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैं शांत बैठी थी। पर अभी ऐसा है कि मुझे इस महीने के अंदर अंदर यहाँ से खाली करना ही है किसी भी हालत में। मैं आज जाऊँगी रात को देखने के लिए रूम। ऐसे तो मुझे रूम बहुत मिल रहे हैं, पर रेंट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं ले ले रही हूँ। यहाँ पर रेंट कम था इसके लिए मैं एडजस्ट कर रही थी, पर एडजस्ट करने के चक्कर में हमारा वैसे भी यहाँ पर बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग का, एक इंसान का जाने का, ऑटो का, आने का, फिर पेट्रोल का, वैसे भी उधर से गिनो इधर से गिनो एक ही हो रहा है। पर हमने सोचा था चलो अभी रह रहे पर नहीं, अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जम नहीं रहा है। क्योंकि मैं उसको बोली पानी की टाँकी लगाओ तो वो लगा के नहीं दे रहे, फिर वो पानी का पर यहाँ बहुत इशू हो रहा है, 1 घंटा ही पानी छोड़ता है, तो मेरा काम नहीं होता है। सुबह में पानी में वही टाइम पे आता है, मेरा टिफ़िन भी वही टाइम पे बनता है, और इन लोगों को जाने का टाइम भी वही रहता है। तो मेरे को ना नाश्ता, मेरे को इनको नाश्ता भी देना होता है, फिर मेरा नाश्ता भी रहता है, टिफ़िन भी रहता है, पानी भी रहता है, और 1 घंटे में मेरे को तीनों काम मेरे को नहीं जमते। मेरे को बहुत ज़्यादा घाई घाई होती है, और पानी किचन का हमारा पानी आ ही नहीं रहा है, कितने टाइम से नहीं आ रहा है, कम से कम 2-3 महीने से आ नहीं रहा है। फिर भी मैं इतना
स्लो आता है, इतना स्लो आता है, मैं 3 बार जाके उनको बोल चुकी हूँ। वो बेचारे आए भी थे, सब करके गए, पर वो बोले पता नहीं आपके वहाँ सबके वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके वहाँ हो रहा है, पता नहीं क्या है। पर वो उसने ठक ठुक किया, तो थोड़ा 1-2 दिन आया पानी, अभी तो वापस बंद हो गया। मैं सब चीज़ों से इरिटेट हो गई, जब हम पूरा पैसा दे रहे तो ये सब तकलीफें क्यों झेले। तो मैंने सोचा, इनको बताया कि नहीं अभी चलो कहीं 1,000-2,000 ज़्यादा देंगे, पर इस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं जम रहा, क्योंकि पानी का मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर 1 घंटा पानी आता है। मैं कपड़े, इस बार मैंने कपड़े 10-12 दिन में मैंने कपड़े धोए पूरे, मशीन मैंने पैंटों से भर चुकी थी, जीन्स के पैंट, इनके जीन्स के पैंट, मेरे तो मैं कुर्ती, सूखे सूखे कुर्ती रहते, प्लाजो रहते, ये सब। बाकी बेडशीट, इंशा आई थी, इंशा थी 2 दिन यहाँ पर, तो इंशा ने 2 बेडशीट में सूसू किया था, वो 2 बेडशीट, अब वो बेडशीट तो मैं रख नहीं सकती, ज़्यादा दिन तक स्मेल आई थी, तो भी मैंने उसको बाहर धूप में सुखाया, इसको फोल्ड करके मैंने रखा, फिर बाद में सूख गया था। और 2-3 चीज़ें थे और कुछ तो भी था, तकिया के कवर, फिर मैंने सब, फिर 10-12 दिन के बाद, हाँ उनसे सूसू करने 2 दिन बाद, मैंने 10 दिन तो हो गए थे इतने कपड़े जमा किए, तो मैंने इतने धोए कपड़े, और वो पानी चला गया कपड़े धोने के चक्कर में, फिर मैंने पूरा पानी खाली करके धोए कपड़े, कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं, इतने कपड़े भर गए थे मेरे। अभी वापस से मेरे मतलब 2 दिन के बाद, अभी और 3 दिन हो गया, अभी वापस से मशीन भर गई है, अभी भी चद्दर वगैरह धोने के पड़े हैं। अभी एक आदि का कल मैंने कवर हाथ ये निकाल के, ये कवर मैंने कल निकाल के मशीन में धोया, मशीन का कपड़ा धोया, मतलब बारिश के पहले ऐसा लगता है यार कि सब धो धा के रखे, पर यहाँ पानी का इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को नहीं जम रहा, मैंने तो पानी रहना चाहिए, पानी का दिक्कत हो रही है। और 1 घंटा 1.25 घंटे में तुरंत बंद कर देते हैं लोग तुरंत, और इतने सुबह सुबह अभी लोगों को मैं उठा नहीं सकती नहाने के लिए, उठो पानी जाने वाला है, तो फिर जब प्रॉब्लम हो रही है, देखते हैं अभी यार फोन आएंगे तो फ़ोन करेंगे, अभी तक तो फ़ोन नहीं आया, 9:30 बज गए, जैसे फ़ोन आता है मैं जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, नहीं गई तो अगर नहीं दिखाऊँगी फिर ये वीडियो में आके एंड कर दूँगी। पर मैं, उन्होंने मुझे बोला है नहीं जाना है, उनको भी थोड़ा सा लगा है कि नहीं जाना है, तो उन्होंने किसी से बात की है, तो उन्होंने बोला रात में आप 11 बजे तक कभी भी आओ, तो शायद से जाएंगे ये, जैसे फ़ोन आता है फिर जाती हूँ, आप वीडियो शूट करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं, इसके आगे ही जाएंगे, मतलब यही एरिया में आगे ही है, चलो जैसे ही आते कॉल करते मैं जाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी स्किन मेरे पहले से थोड़ा ठीक लग रही, पर ये इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। अभी ये एक नहीं है, ये 3-4, एक की साइड में 3-4 आए हैं ऐसा छोटे 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 करके, एक ये बड़ा, मतलब ये हुआ पता नहीं क्यों। मैं अपना सुबह का मैंने ड्रिंक लेती हूँ नींबू शहद का, फिर नाश्ता नहीं करती, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ खा लेती फल फ्रूट, फिर उसके बाद मेरी दवाई जो आई है वो दवाई खाती, फिर दिन भर में खाना थोड़ा सा ही, मतलब जैसा मैं पहले खाती थी एक पाव, मतलब 4 हिस्से करके मैंने आधा हिस्सा खाती हूँ, मतलब कम कर दिया। मैं रात का खाना खाती हूँ तो 6-7 बजे मैं अपना खा लेती हूँ, पर ज़्यादा मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ, पर तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, पर फिर भी देखते क्या होता है क्या नहीं। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को जब जाएंगे तभी, और मेरे वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम बाद। तो चलो अभी रात के बज रहे 10:15 बज रहे, अभी आए ये, शायद गाड़ी का आवाज़ आया मुझे, तो मैं जा रही हूँ नीचे, तो फ़ोन किया था मैं जब आऊँगा तो अब आप आ जाना, तो मुझे तो फ़ोन नहीं आया पर मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, तो चलो फ़ोन भी आया, फिर जाते हैं, फिर आप लोग को दिखाती हूँ।